सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कहते हैं सिस्टमेटिक स्टडी, क्रिटिकली किसी चीज को एग्जामिन करना, डीपली उसको जाकर के स्टडी करना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या पर्पस होते हैं, किस तरह से हमने करना है, वो सब सीखेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करने वाले हैं बच्चों आप लोग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं। दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। वहां से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको आप सिस्टमेटिकली एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं। किस लिए करते हैं ऐसा, टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, क्लियर है, ताकि आप बिजनेस के बारे में अपने इकोनॉमिक डिसीजंस मेंटेन कर सके। सेकंड डेफिनेशन यहां पर है आपके पास में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल वैल्यूज एज अ सेट आउट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करके उनकी फाइनेंशियल वैल्यूज का रिलेशनशिप बनाना फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाता है। क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, क्लियर। इसके बाद में एक डेफिनेशन और है, इट इज स्टडी लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस विच आर डिस्क्लोज बाय द सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड शोज द स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ दीज फैक्टर्स एज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। ये हमारी डेफिनेशन है। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन में आप इन दो को अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, कोई परेशानी तो नहीं। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम क्रिटिकली स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की विच इज कंटेंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस लिए ये सब करते हैं, ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंसर्न। नेक्स्ट डेफिनेशन क्लियर बच्चों। अब हम बात करेंगे कि एनालाइज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। वो टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो कॉमनली यूज टूल्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, वो चार टूल हैं बेसिकली। पहला है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड इज रेशियो एनालिसिस, फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये दोनों चैप्टर नंबर 3 में है और आपके टर्म 2 में आएंगे। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 है, ये भी आपका टर्म 2 में आएगा। और रेशियो एनालिसिस हमारा है चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा इसी टर्म में हमें इस चैप्टर के बाद शुरू करना है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, चलिए समझते हैं क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर आपसे टूल्स पूछे जाते हैं, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर्स के नाम तो याद रहेंगे। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है हमारा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, क्लियर। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा, रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 5 क्या है, नाम है चैप्टर्स के, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लियर हो गए। टूल्स और टेक्निक्स लर्न, नेक्स्ट। अब हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नाम से पता चल रहा है, ऐसे स्टेटमेंट्स जिसके थ्रू आप कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, एक हो सकता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक हो सकता है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो पहले बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस विच शोज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप अपनी बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो या उससे ज्यादा ईयर्स के लिए, वो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहलाती है। होगा क्या बच्चों, यहां पर आप क्या करेंगे, आपके पास दो ईयर्स का डाटा हुआ, ईयर 2019-20, 2020-21। अब आप इन दोनों ईयर्स में कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर आपकी सेल क्या थी, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर कितना है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं,
एक आइटम का अलग अलग ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन आप करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में। कैसे करते हैं, मान लीजिए ये वैसे हम बनवाएंगे आपको, लास्ट ईयर आपके पास थी वैल्यू 10 लाख, अभी हो गई 12 लाख। तो बच्चों एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 10 लाख से 12 लाख हो गई, 2 लाख एब्सोल्यूट चेंज आ गया। और अगर हम कहेंगे परसेंटेज चेंज कितना आया, 10 लाख से 2 लाख इंप्रूव हो जाना, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 20%। तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को शो करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपैरिजन करते हैं और परसेंटेज टर्म्स में कंपैरिजन करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आया। तो बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्लियर, जिसके थ्रू आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिविजुअल आइटम्स का इन एब्सोल्यूट एज वेल एज इन परसेंटेज टर्म्स। कहां से आइटम्स उठा रहे हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर के आइटम्स का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं दो या उससे ज्यादा ईयर्स को, इनकी फिगर्स को आप साइड बाय साइड प्लेस कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनके अमाउंट में क्या चेंजेस आए। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, साइड बाय साइड प्लेस कर दिए प्रीवियस ईयर करंट ईयर, उसके बाद हमने दोनों का कंपैरिजन किया अमाउंट में एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में। बोथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर, ये कंपैरिजन हम दोनों का ही करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स का भी कंपैरिजन करते हैं इसी तरह से एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म्स में, और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स का भी हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के साथ में एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म्स में। दिस टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये एमसीक्यूज में आएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या वर्टिकल एनालिसिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आप इसमें इंट्रा फर्म मतलब फर्म के ही अंदर एक ईयर से दूसरे ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहां पर? यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपकी बुक में है, आप बेशक मार्क करते हुए चल लीजिए, बिल्कुल बुक की ही लैंग्वेज है ये। अभी है आपका पेज नंबर 2.2 पर हम चल रहे हैं। आगे आएंगे बच्चों हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में। यहां पर क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर ईयर आर प्लेस साइड बाय साइड एंड देयर आफ्टर इज कन्वर्टेबल इनटू परसेंटेज। यहां पर हम चेंज फाइंड नहीं करते, यहां पर हम आइटम्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग एन आइटम एज अ चूजन बेस अमाउंट। क्लियर, एक हमने पर्टिकुलर आइटम को बेस ले लिया और उस बेस के बेसिस पर आप दूसरे आइटम्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बच्चों आप इनकम स्टेटमेंट बेसिकली किसे बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोला जाता है। वहां पर हमारा बेस लिया जाता है सेल्स को। सेल्स अगर 10 लाख रुपीज थी तो हम उसको बेस ले लेंगे 100%, और हम कहते हैं कि प्रॉफिट हमारा हुआ है 6 लाख रुपीज। तो बच्चों ये 6 लाख इन कंपेरिजन टू सेल्स कितना परसेंट है, इन कंपेयर मैंने क्या कहा बेस क्या रहेगा यहाँ पर, अगर हम सेल को बेस ले लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना परसेंटेज आ गया सेल्स के रिलेशन में, 60% आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंसेस 4 लाख रुपीज है, तो आप क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कितने हैं, 40% है। तो हर आइटम की परसेंटेज एक पर्टिकुलर आइटम को बेस लेकर के कैलकुलेट की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा बेस क्या होता है, सेल्स होता है, और बैलेंस शीट के अंदर हमारा बेस टोटल होता है। ठीक है, हमने एसेट साइड का टोटल, मान लीजिए बच्चों आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट साइड का टोटल आ गया ₹20 लाख। अब इसके अंदर से स्टॉक 4 लाख रुपीज है, तो क्या बोलेंगे, स्टॉक कितना परसेंट है, 20%। 4 लाख इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल, 20%। इसी तरह से आप कह देंगे कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट है 3 लाख रुपीज की, तो कितना परसेंट हो गया, 15%। तो यहां इनकम स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेस क्या लिया जाता है, सेल्स, और बैलेंस शीट के अंदर बेस क्या लिया जाता है, टोटल। ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में।
वही बात बोल रहा है कि यहां पर हमने क्या करना है, हर आइटम का परसेंटेज कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग सम आइटम एज अ कॉमन बेस. कॉमन बेस टेकन इज टोटल इन केस ऑफ बैलेंस शीट. अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपका बेस क्या रहेगा, टोटल. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा बेस रहेगा इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमारा बेस क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्या बोला जाता है, सेल्स भी, नेट सेल्स भी बोला जाता है. क्लियर हो गई बात. तो ये पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट में हमारा बेस क्या है, टोटल ऑफ एसेट साइड या टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लाइबिलिटीज तो इक्वल होते हैं. हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, इन कॉमन साइज बैलेंस शीट द टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज टेकन एज 100. मैंने बताई दिया कि जो भी बेस होता है वो 100 माना जाता है. तो यहां पर टोटल एसेट को हमने क्या कंसीडर कर लेना है, बेस है तो 100 ले लेंगे. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप किसको 100 लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल एसेट हमारा बेस होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस होता है. इसके बाद एंड ऑल द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज. किसके परसेंटेज के बेसिस पर आप कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर हर आइटम के परसेंटेज फाइंड करेंगे. क्लियर. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन साइज स्टेटमेंट को बोला जाता है वर्टिकल एनालिसिस. ठीक है. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे साथ बोला बोला करें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, वर्टिकल एनालिसिस. वेरी गुड. यहां पर ये और ध्यान रखना कि वर्टिकल को हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम, और हॉरिजॉन्टल को हम यहां पर जब हम बात करेंगे, चलो वैसे आएगा भी वो आगे. तीसरी बात होगी हमारी, तीसरा टूल है, थर्ड टूल है हमारा रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस में क्या है बच्चों, रेशियो का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो मीन्स व्हाट, प्रपोर्शन और कुछ रिलेशनशिप कह सकते हैं हम रेशियो को. रेशियो, बिल्कुल ठीक. रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, एनालिसिस बोला जाता है स्टडी. तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग वेरिएबल्स इज नोन एज द रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स का रिलेशन स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द रेशियो एनालिसिस. कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के रिलेशन में 20% है. नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा 10% है तो सेल्स के रिलेशन में नेट प्रॉफिट हमारा 10% है. क्लियर. रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनालिसिस मींस स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंटिंग रेशियोज की आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रेशियो एनालिसिस बोला जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट टूल और टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट हेल्प्स इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज. क्लियर हो गया बच्चों. रेशियो एनालिसिस आपको किस चीज में हेल्प करता है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बताता है हमारी फर्म की. कंपैरिजन कर सकते हैं, लास्ट ईयर मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 12% था, करंट ईयर में मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 12.5% हो गया, मतलब 0.5 इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है. फिर हम अपने रेशियो को कंपेयर करेंगे दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के पास साथ में, अरे इसका तो 14% है. पहले अपने से इतना खुश नहीं हुए बढ़ने से जितना आप दुखी हो गए, दूसरे का बढ़ा हुआ ज्यादा है. फिर कोशिश में लग जाएंगे कैसे इसको क्रॉस करें हम. तो यही चीजें क्या होती है, स्टडी करना, मार्केट स्टडी करना. क्लियर हो गया. रेशियो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल और टेक्निक. क्या क्या करते हैं आप इससे, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी असेस करते हैं, सॉल्वेंसी चेक करते हैं. सॉल्वेंसी किसे कहते हैं बच्चों, ये बोला जाता है लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी. क्लियर हो गया. लिक्विडिटी बोला जाता है शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी.
एफिशिएंसी बोला जाता है टर्नओवर रेशियोज को, मतलब कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। क्लियर हो गया, ये चीजें पता होनी चाहिए ना हमें। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक क्या चेक करेगा, हमारे रेशियोज चेक करता है। वहां से वो पता लगाता है कि हमारी लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी कैसी है। अगर हम कहते हैं कि हमें 10 साल के लिए लोन चाहिए 20 करोड़ रुपए का, तो वो हमारी सबसे पहले क्या जज करेंगे, सॉल्वेंसी चेक करेंगे, वेदर वी आर एबल टू रिटर्न देयर मनी ऑन टाइम और नॉट इन लॉन्ग पीरियड। फिर वो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी चेक करेंगे, लिक्विडिटी भी चेक करेंगे। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, रेगुलर इंस्टॉलमेंट तो उनको हर महीने चाहिए ना, अब वो कहां से मिलेगी उन्हें, शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी पता करते। क्लियर हो गई बात। प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करेंगे, क्या हमारी फर्म उनके पैसे का यूज करके इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएगी कि एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट तो चला जाए। क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट, चार स्टेटमेंट थी, कंपेरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस ये भी हमारे वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आते हैं, रेशियो एनालिसिस भी, और लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो नाम में ही लिखी हुई है, स्टेटमेंट भी उल्टा पढ़ लो डेफिनेशन बन जाएगी। स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट इज नोन एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट शोज द फ्लो ऑफ बोथ, दोनों तरह का फ्लो आ सकता है, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि कैश का इनफ्लो कहां से हो रहा है, कैश का आउटफ्लो कहां पर हो रहा है अलग अलग एक्टिविटीज में, वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फ्लो ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यहां पर आप अपनी एक्टिविटीज को तीन तरह से डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे तो हम पढ़ेंगे लेकिन अभी चलिए बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे किसे कहते हैं, जो बिजनेस हमारा मेन बिजनेस है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट सेल करके कितना पैसा आ रहा है, गारमेंट्स को परचेज करके लेकर के रॉ मटेरियल परचेज करके लाए कैश कितना गया, ये क्या है बिजनेस की मेन ऑपरेशंस है। तो यहां से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो ऑपरेटिंग के अंदर स्टडी किया जाएगा, कैश का कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। जब आपकी फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री बनाने के लिए आपको फिक्स एसेट्स भी चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कैश का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ वो हम स्टडी करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। लास्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चे बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अरेंज करने के लिए, मान लीजिए आपको मशीनरी परचेज करनी है, फर्नीचर परचेज करना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आया, लोन लिया, ओनर का कंट्रीब्यूशन था, कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यानी कि फंड्स कहाँ से अरेंज कर रहे हैं। तो कैश का फ्लो फंड्स के लिए कितना आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ओनर का कंट्रीब्यूशन है, सोर्सेज कहाँ पर पढ़े जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर पढ़े जाते हैं। तो कैश का फ्लो तीन एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर क्या बताया जाता है, सोर्सेज क्या है कैश के और यूजेस क्या है कैश के, मतलब कैश कहां से आ रहा है और कहां पर यूज हो रहा है, कहां जा रहा है। इट ऑल्सो शोज द चेंजेस इन कैश पोजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जो आपकी कैश पोजिशन चेंज हुई है वो किन कारणों से चेंज हुई है, ऑपरेटिंग में कितना चेंज हुआ, इन्वेस्टिंग में कितना हुआ, फाइनेंसिंग में कितना हुआ, वो सब स्टडी करते हैं। इन एडिशन ऑफ द अबव, इसके अलावा आप लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट ट्रेंड परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना, टर्म वन और टर्म टू से पहले ही नहीं थे। चलिए आगे चलेंगे, टूल्स और टेक्निक याद, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो और कैश फ्लो, आगे वाले चैप्टर्स के नाम। आइए बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस नाम से पता चल रहा है, जो बिजनेस से बाहर रह करके आप बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे अब आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ठीक है, किस चीज के ऊपर बनाना है, रेशियोज के ऊपर बनाना है या कैश फ्लो के ऊपर बनाना है, बताया कुछ स्कूल, रेशियोज के ऊपर बनाना है। और ये बोला गया होगा कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के उसके रेशियोज फाइंड करना। तो आप भी किसी कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं किसी कंपनी का, वो एक्सटर्नल एनालिसिस है या इंटरनल।
एक्सटर्नल एनालिसिस है, क्योंकि आप कंपनी से बाहर रह करके उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? इट इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द एंटरप्राइज. जिसके पास में डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं होते, आपके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास सिर्फ पब्लिश डेटा है जो आपको नेट से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, या हो सकता है कहीं से कोई प्रिंटेड शीट्स मिल जाए, प्रिंटेड डेटा मिल जाए. एंड देयरफॉर यू हैव टू डिपेंड ऑन पब्लिश्ड अकाउंट. आप किसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कहां से कलेक्ट कर रहे हैं? पब्लिश्ड, चाहे वो ऑनलाइन पब्लिश्ड हो या फिर किसी फॉर्मेट में हो. आपको क्या चाहिए उसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट, सच टाइप ऑफ एनालिसिस. ये कौन करता है? इन्वेस्टर्स करते हैं, लेंडर्स करते हैं, क्रेडिटर्स करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं. आप इनमें से कौन हो? इन्वेस्टर हो, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं आप. क्लियर हो गया? आगे बताने की जरूरत तो नहीं है. इन्वेस्टर क्यों करते हैं सब हम लास्ट में पढ़ेंगे. व्हाट आर द व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फर्म्स स्टेटमेंट. सेकंड है हमारा इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा? जिनके पास फर्म के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. किसके पास होती है? ओनर्स के पास, मैनेजर्स के पास, एम्प्लॉयज के पास. ये किसके अंदर आ जाएंगे? इंटरनल एनालिसिस के अंदर आ जाएंगे. तो इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट. किस लिए? टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सच एनालिसिस दैट द मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज. देयरफॉर द एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज मोर डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट. ठीक है, विच एनालिसिस इज मोर डिटेल्ड, एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट? इंटरनल एनालिसिस. It is carried by the outside. External analysis is conducted by outsiders, or internal analysis is conducted by management. अभी हमने types of analysis पढ़ रहे थे, कितने तरह के होते हैं. तो अभी आपने दो पढ़ चुके, कौन कौन से हैं? Internal analysis और external analysis. उसके बाद आगे हैं दो, horizontal analysis और vertical analysis. Horizontal analysis क्या था? Comparative statement. इसके लिए आपको क्या चाहिए? दो इयर्स का डाटा चाहिए. वहां पर आप कंपेयर करेंगे उन दो इयर्स के डाटा को एब्सोल्यूट फिगर्स में और परसेंटेज टर्म्स में. तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं. मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट. टाइम सीरीज एनालिसिस कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है? टाइम को आप जहां पर स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग टाइम की इंफॉर्मेशन आप जहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है हमारा? टाइम सीरीज एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. इट शोज द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फॉर सेवरल ईयर अगेंस्ट अ चूजन बेस ईयर. इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके एग्जांपल्स थे. इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं. चलें आगे बच्चों. वर्टिकल एनालिसिस किस लिए किया जाता है? दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर ओनली. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपको डाटा चाहिए था टू ईयर्स का. वर्टिकल एनालिसिस में आपका काम चल जाएगा सिर्फ एक ईयर के डाटा से. क्यों? यहां पर अगर आप कहते हैं कि सेल कितनी है एक ही ईयर में, 2020-21 में सेल कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इसका आप सेल के रिलेशन में परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं कि सेल हमारी 10 लाख थी, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख है. तो आप क्या कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 20% है सेल्स का, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है सेल्स का. तो एक ही ईयर के डाटा से आप स्टडी कर रहे हैं. इसको क्या कहा जाएगा हमारा? वर्टिकल एनालिसिस या स्टैटिक एनालिसिस भी बोला जाता है इसको. इसके अंदर दो चीजें स्टडी करते हैं बच्चों आप. एक तो रेशियो एनालिसिस इसी के अंदर आते हैं. ये रेशियो एनालिसिस हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेल्स. तो रेशियो एनालिसिस किसका पार्ट है? वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है. उसके अलावा बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो भी किसका पार्ट है हमारे? वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है. द एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर ओनली. इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं. क्रॉस सेक्शनल मतलब बिल्कुल डीप स्टडी, पूरे सेक्टर्स बना करके एक एक आइटम को दूसरे आइटम के रिलेशन में स्टडी करना. रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस. क्या एग्जाम्पल है इसका? रेशियो एनालिसिस. क्लियर हो गया? ओके जी. नेक्स्ट.
अब दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं, किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर. ओके हम बात कर रहे हैं बच्चों अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में. तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपको कितने पीरियड का डाटा चाहिए, 2 or more years का. वर्टिकल एनालिसिस में आपको डाटा चाहिए फॉर 1 accounting period. नेक्स्ट किन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आप सेम आइटम्स का कंपैरिजन करते हैं ऑफ डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर, प्रीवियस ईयर सेल कितनी थी, करंट ईयर सेल कितनी है. तो आइटम सेम है, डिफरेंट है हमारे ईयर्स, तो इट डील्स विद द सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स. वर्टिकल एनालिसिस में जैसे भी मैं कह रहा था कि हम ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन फाइंड करेंगे नेट सेल्स के साथ, नेट प्रॉफिट का रिलेशन फाइंड करेंगे, ऐसे बहुत सारे रिलेशन देखे जाते हैं. तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, इट डील्स विद द डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड. इंफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट एज वेल एज परसेंटेज टर्म्स में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती है इसके अंदर. वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आपको जो चीजें मिलती हैं वो सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में आप डिनोट करते हैं. यूजफुल, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक कंपैरिजन का पार्ट है जबकि वर्टिकल एनालिसिस इज अ स्टेप टुवर्ड कंपैरिजन. इंट्रा फर्म कंपैरिजन किसे कहते हैं बच्चों, इंट्रा फर्म मतलब जब एक ही बिजनेस के अंदर आप सिमिलर आइटम्स को कंपेयर करते हैं विद डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर के आइटम को कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में, तो वो क्या बनेगा हमारा, इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इट इज द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं. जैसे आप 4 or 5 years का नेट प्रॉफिट रेशियो स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले 15% था, फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ गया 14%, फिर और डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है, ट्रेंड भी शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है हमारे डाटा का या डिक्रीजिंग ट्रेंड है. इंटर फर्म कंपैरिजन आप समझ गए, जहां पर आप कंपेयर करते हैं आइटम्स का एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इंटर फर्म कंपैरिजन. कंपैरिजन ऑफ 2 or more एंटरप्राइजेस ऑफ और फर्म्स इज नोन एज द इंटर फर्म कंपैरिजन. It compares the financial variables of 2 or more enterprise or firms to determine their competitive position. When single set of statement of 2 firms are compared, it is known as the cross-sectional analysis. हम इसको cross-sectional analysis भी बोलते हैं. इसका main objective क्या होता है? To ascertain the relative position of the business in the industry. Industry के अंदर हमारे business की क्या position है? यहाँ से हमें ये पता चलता है. ठीक है? एग्जाम्पल लेटस कंपेयर, यहाँ पर वही हो गया कि डिफरेंट फर्म्स का आप कंपेयर कर रहे हैं क्या, परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज. मान लीजिए नेट प्रॉफिट रेशियो आप कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग फर्म्स का, एक्स लिमिटेड का कितना है 10%, वाई लिमिटेड का 11%, जेड लिमिटेड का 12% और इंडस्ट्री का एवरेज क्या है 14%. क्लियर? तो यहां से आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री के टोटल पार्ट में आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रोसेस मतलब क्या स्टेप्स रहेंगे, आप खुद का ही स्टडी कर लीजिए. आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो स्टेप्स क्या हैं आपके, सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरेंज करेंगे ना. जब आपको बोला जाएगा प्रोजेक्ट बनाओ, तो सबसे पहले टेंशन क्या, किस कंपनी का प्रोजेक्ट उठाएं, किस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लें, कहां से लें, तो आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. उसके बाद आपको मान लीजिए एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई, हीरो ग्रुप की मिल गई, सपोज हीरो साइकिल्स की, तो आप कंपैरिजन करेंगे कि लास्ट ईयर उनकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी, करंट ईयर में उनकी परसेंटेज क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, लास्ट ईयर उनके पास डेट कितने थे, करंट ईयर में डेट कितने हैं, लास्ट ईयर उन्होंने टैक्स कितना पे किया था, करंट ईयर में कितना पे किया. तो आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. कंपैरिजन दो तरह का हो सकता है, आप उसी कंपनी का अलग अलग ईयर्स का भी कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर हो गया? उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने कंपैरिजन कर लिया, फिर आप एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे.
अगर प्रीवियस ईयर से बेटर पोजीशन है तो आप कहेंगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यदि प्रॉफिट हमारा डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी आइटम्स डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, हमारा प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। लास्ट होगा इंटरप्रिटेशन, लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा अपने प्रोजेक्ट में कि फाइनली इस कंपनी की पोजीशन कैसी है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरप्रिटेशन, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। क्लियर हो गया? आपको कहीं से 2 करोड़ रुपए मिल जाए पर्सनल, ठीक है ना, तो आप क्या सोचोगे? कुछ बच्चे तो खर्च कर देंगे, कुछ बच्चे होंगे एक काम करते हैं इसको कहीं लगा देते हैं 2 करोड़ रुपए को, और हर साल कुछ थोड़ी बहुत इनकम जो होती रहेगी उससे खर्चा निकलता रहेगा, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए आपने क्या सोचा, कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। आजकल शेयर मार्केट अच्छी बूम पर चल रही है, रोज थोड़ा बहुत इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर सोचोगे अच्छा पैसा मैं लगाऊं, ये तो डिसाइड कर लिया कि किसी कंपनी के स्टॉक्स परचेज करने, शेयर्स परचेज करने, फिर प्रॉब्लम क्या, किस कंपनी में पैसा लगाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4-5 अच्छी अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो इकट्ठा करना पड़ेगा, उन सबका क्या करोगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरेंज करेंगे, उन सब में से कंपैरिजन करेंगे कौन अच्छा रिटर्न दे रहा है, किसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर आप एनालाइज करेंगे, अच्छा चूज कर लिया कि भाई ये वाली कंपनी है, स्टडी करके पता चल गया ये कंपनी की बेटर पोजीशन है। लास्ट में आप इंटरप्रिटेशन अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हमें ये करना है, इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्लियर हो गया? चले आगे प्रोसेस के अंदर बच्चों, 4 चीजें क्या क्या है बोलो, सीक्वेंस में होनी है, ऊपर नीचे नहीं, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा, सेकेंड कंपेरिजन, थर्ड एनालिसिस, लास्ट इंटरप्रिटेशन। पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप क्यों करते हो, एनालाइज क्यों कर रहे हो, स्टडी किस लिए कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, टू नो द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, टू नो द अर्निंग कैपेसिटी, टू नो द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है बिजनेस की और फ्यूचर में क्या हो सकती है, ये जानने के लिए। Assessing the managerial efficiency, managers की कितना, managers कितना efficiently work करते हैं, उनके decisions कितने effective हैं, जब जब उन्होंने कोई अपने decision में change किए, कोई बड़े changes किए, तो क्या हमारे profits पर, क्या हमारी performance पर effect आया उसका। Third है to assess the short term as well as long term solvency of the enterprise, हमारी business की long term और short term solvency कैसी रहेगी। एक मिनट रुकिए, हो गया बच्चों रीड किया, ये समझ में आ गया क्या क्या है यहाँ पर, किस लिए आप एनालाइज करते हैं, फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए, मैनेजरियल एफिशिएंसी जानने के लिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानने के लिए। सॉल्वेंसी मतलब डेट पेइंग कैपेसिटी, ठीक। अगर कंपनी को लोन लेना है तो उसको खुद की भी है, तो अपनी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि कितना पेमेंट हम फ्यूचर में कर सकते हैं फ्रीक्वेंट बेसिस पर। नेक्स्ट, इसके अलावा इंटर फर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए भी, एक फर्म से दूसरी फर्म का कंपैरिजन करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये तो करना ही पड़ता है बिजनेस में, अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो अपने कॉम्पिटिटर से खुद का कंपेरिजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या सेल टारगेट्स हैं, वो फोरकास्ट करते हैं आप, और उतनी सेल टारगेट पर पहुंचने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फंड्स कहां से अरेंज करेंगे, बजट्स कहां से अरेंज करेंगे, वो सब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, आसानी से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरे को समझ में आए, ठीक है, और उसके ऊपर सामने वाली पार्टीज वर्क कर पाए, जिसको भी हम अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपना डेटा किसको प्रोवाइड करते हैं, बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, तो इस तरीके से प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, भी फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है। क्या यूजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, यहां से आपको सिक्योरिटी एनालिसिस का पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा आपके बिजनेस में कितना सेफ है, ये कहां से पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस से। It is a process by which investors comes to know whether the firm is fulfilling his expectation with regard to payment of dividend, capital appreciation, security of money. Investors को ये 3 चीजें चाहिए, time से dividend चाहिए, capital का appreciation होता रहे और उनका money secured रहे। आपको पता है भी कोई company आपको 20% return देगी एक साल में और आपको लग रहा है कि उनके stock भी increase होंगे, लेकिन
सॉल्वेंसी पर खतरा नजर आ रहा है उस कंपनी का, कि पता नहीं हो सकता है कि कंपनी भाग ना जाए मार्केट से, लगाओगे अपना पैसा? नहीं, रिटर्न है तो ठीक है भाई, रिटर्न कम भी चलेगा, लेकिन मनी सिक्योर रहना चाहिए अपना. क्लियर? सच एनालिसिस इज डन बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कैश जनरेटिंग एबिलिटी, डिविडेंड पेआउट पॉलिसीज एंड द बिहेवियर ऑफ शेयर पॉलिसीज. क्रेडिट एनालिसिस कौन करता है? क्रेडिट एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की लोन रिटर्निंग कैपेसिटी कितनी है. सच एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन अ फर्म ऑफर्स द क्रेडिट टू द न्यू कस्टमर और द डीलर्स. द मैनेजर ऑफ द फर्म हु वुड लाइक टू नो वेदर टू अलाउ और एक्सटेंड द क्रेडिट टू देम और नॉट. कई बार पोस्टपेड कनेक्शन में आता है ना मैसेज कि योर क्रेडिट लिमिट इज दिस, आपकी क्रेडिट लिमिट 20,000 रुपीज की है बिल की. तो वो क्या है कि आप कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को. क्लियर? हमारे कस्टमर हैं, हमें हमसे रेगुलर बेसिस पर गुड्स क्रेडिट पर सेल परचेज करते हैं, हम उनको सेल करते हैं, तो एक लिमिट तो होगी. ये मेरे से हर बार सामान लेके जाता है, कभी 50,000 का, 60,000 का, 80,000 का, हेर फेर में 1,00,000 रुपीज के अंदर में रहता है. तो मैक्सिमम कितना क्रेडिट मैं इनको अलाउ कर दू. अगले दिन आकर के कहता है, एक दिन आके, सर 50,00,000 का दे दो. अभी तक 50,000 का सामान लेके जा रहा था, अगले दिन आकर के बोलता है 50,00,000 का सामान दे. सोचना पड़ेगा, क्रेडिट एनालिसिस करना पड़ेगा इसका, क्या इनकी कैपेसिटी है 50,00,000 रुपीज का रिटर्न करने के लिए अमाउंट को, या नहीं, या ये भागने की तैयारी में तो 50,00,000 का सामान ले जाए और बोल. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है डेट एनालिसिस. डेट एनालिसिस किया जाता है फर्म की खुद की बोरोइंग कैपेसिटी जानने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन, कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करना है टाइम टू टाइम. वो डिविडेंड डिसीजन के भी किस बेसिस पर होते हैं? एनालिसिस के बेसिस पर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप एनालाइज करेंगे और उस बेसिस पर डिविडेंड डिसाइड करेंगे कि अपने इन्वेस्टर्स को कितना डिविडेंड आपने पे करना है. जनरल बिजनेस एनालिसिस भी किया जाता है कि क्या हमारे फ्यूचर में रिस्क है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल्स है हमारे बिजनेस के फ्यूचर में, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से ही होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों लिमिटेशंस की. क्या कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के बाद भी क्या दिक्कतें हैं हमारे साथ में? सबसे पहला है हिस्टोरिकल एनालिसिस. बच्चों जब भी आप एनालाइज करते हो, जो भी एनालिस्ट होते हैं कंपनी के, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है कंपनी के फ्यूचर में, चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो, बैंकर हो, गवर्नमेंट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, लेकिन उनको हमेशा दिया क्या जाता है? हिस्टोरिकल डाटा. ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है यहाँ पर. दूसरा, इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रेट को हम इसके अंदर नहीं शो कर सकते. ठीक, हम कहते हैं आपसे कि 2010 में हमारा प्रॉफिट था 20,00,000 रुपीज का. अब 2021 में हमारा प्रॉफिट है 22,00,000 का. प्रॉफिट का इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है लेकिन बेकार है. क्यों? वहां से अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखें तो इन्फ्लेशन रेट 40% इंक्रीज हो चुका है, महंगाई 40% बढ़ चुकी है. तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट भी हमारा कितना होना चाहिए था? 40% इंक्रीज होकर के 28,00,000 हो जाना चाहिए था. देखने से तो डेटा आपको लगेगा सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमने इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर दिया है, तो हम इसको करेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर. क्या क्वालिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं, लेकिन वो मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है. हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसे है, हमारे लेबर के साथ रिलेशन कैसे है, मैनेजमेंट के साथ हमारे क्या रिलेशन है, वो हम शो नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट में. सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक है तो उसका एनालिसिस भी रॉन्ग ही होगा. क्लियर? इट इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मींस पर्सनल जजमेंट अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को. नेक्स्ट है वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस. आप करंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट को जब आपने तैयार किया था तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की थी. सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन का लास्ट ईयर हमने यूज किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी हम यूज कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो दोनों स्टेटमेंट्स को तैयार करने का बेस डिफरेंट है, तो दोनों कंपेरेबल नहीं हो सकते. विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैन्युपुलेशन. मैन्युपुलेशन मतलब खुद की पोजीशन को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, क्या कहलाता है? विंडो ड्रेसिंग कहलाता है. ये भी कई बार होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर.
Window dressing refers to the presentation of a better position than what it actually is by manipulating the books of account. On account of such a situation, financial statement may give the false information to the assessor or users. Clear? Identified symptoms. हमें सिम्टम्स तो पता चल जाते हैं, क्या परेशानी है वो तो पता चल जाती है, लेकिन उसको कैसे खत्म करना है, रेमिडीज क्या अवेलेबल है, वो हमें नहीं पता चल पाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और व्हाई. मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है बच्चों, टू नो द सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, टू नो द effectiveness of their decision for controlling and self-evaluation. Clear हो गया? इसके बाद है employees और trade unions क्यों interested होते हैं? Company का profit increase हो रहा है तो they will demand for more wages and bonus. Shareholders और owners और investors किस लिए interested होते हैं? बात हो गई थी इस बारे में. Safety margin of their investment, dividend, money appreciation. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बात सेम ही रहेगी यहाँ पर भी, ये भी फर्म की सॉल्वेंसी चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों चेक करते हैं, सेफ्टी मार्जिन चेक करते हैं. बैंकर्स और लेंडर्स टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस, इनको रेगुलर टाइम पर अपने इंटरेस्ट की पेमेंट चाहिए और ये चेक करते हैं कि क्या फर्म इनके प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर सकती है ड्यू डेट्स को या नहीं. तो यानी कि ये फर्म की लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड है. रिसर्चर्स, आपको भी जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा तो रहेगा ना क्यूरियोसिटी, अच्छा ये वाली फर्म के स्टेटमेंट हाथ लगी जरा देखे तो सही क्या है ये, इसके अंदर प्रॉफिट अर्न कर रही है, लॉस सफर कर रही है, प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, एक्सपेंसेस इनके सैलरी में इतने ज्यादा क्यों है, बाकी दूसरी जगह के कम कितने हैं, टैक्सेस इसने कब कितना पे किया, ये सारी आप चीजें चेक करते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, उसकी ग्रोथ चेक करते हैं, फाइनेंशियल पोजिशन चेक करते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चेक करते हैं आप बिजनेस के. They may be interested in analyzing the data of different aspect of business like purchase, आपको पता चलेगा in total कितनी की है during the year, sale during the year कितनी हुई है, operating cost, business को operate करने में कितना पैसा खर्च होता है और particular type के खर्चे पर उसने कितना पैसा खर्च किया किसी enterprise में. Taxation authorities interested होती है company के profitability के लिए क्योंकि उनको tax impose करना होता है which is directly related to the profit of the business. कस्टमर्स भी हमारे इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों, कस्टमर्स किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं, अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटरप्राइज. मान लो आपकी टायर इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई किस चीज की चाहिए, रबर चाहिए. एक जगह से आप रेगुलर, एक सप्लायर से आप रेगुलर रबर की परचेज करते हैं तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगी कि ऐसा तो नहीं कि दो साल बाद ये बिजनेस बंद हो जाए तो फिर मेरे को दूसरा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में है भी या नहीं, अगर नहीं है तो कहां से अरेंज करेंगे. तो हमारे कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए, स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट एंटरप्राइज. क्लियर हो गया? ये बच्चों हमारा चैप्टर हो गया है खत्म. MCQs देख रहे हैं बच्चों बुक के अंदर के, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताना है आपने. फाइनेंशियल एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द एंड प्रॉफिटेबिलिटी. आप किस लिए करते हो फाइनेंशियल एनालिसिस, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जानने के लिए. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू. फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. बात आई थी ऑब्जेक्टिव्स में कि हाँ जी फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है, पर ये कह रहा है नहीं है तो फॉल्स, गलत बात है. फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस मतलब डेट पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए, ट्रू है. पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किस लिए एनालिसिस करते हैं, टू डिटरमाइन वेदर द अमाउंट इज ड्यू, अमाउंट ड्यू टू देम इज सेफ, ट्रू है या फॉल्स? जो अमाउंट ड्यू है उनका वो सेफ है या नहीं, किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, सामान उधार दिया हुआ है, मिल जाएगा टाइम से या नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट इग्नोर क्वालिटी, क्वालिटी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में और एनालिसिस इग्नोर कर देता है तो ये फॉल्स है, गलत बात है. आ गया समझ में? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज क्या करते हैं बच्चों,
इंट्रा फर्म कंपैरिजन, फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन दोनों तरह के हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन वन ईयर डाटा। जब आप वर्टिकल वर्टिकल जब हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो वहां पर दो ईयर्स का डाटा चाहिए, और वर्टिकल्स में आपको सिर्फ एक ईयर के डाटा से काम चल जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम डैश बायस। बायस मतलब जजमेंट, पर्सनल जजमेंट अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चार मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर हैं, एक ही कंपनी की सेम स्टेटमेंट उनके सामने रखो, उनकी राय जानो, कई बार वो चारों के स्टेटमेंट अलग अलग आएगी, तो पर्सनल जजमेंट भी अफेक्ट करता है एनालिसिस के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। ये क्या है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक लिमिटेशन, कमियां हैं, कमी में से आता है। डैश स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑफ डायनेमिक इन नेचर। कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल, और स्टैटिक कौन सी थी हमारी, वर्टिकल। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या करते हैं बच्चों, अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका प्राइस लेवल चेंजेस को आप इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वहां पर आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रिव्यू एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेट। किस किस का आप एनालिसिस करते हैं हॉरिजॉन्टल में, टू और मोर बिजनेस और मोर अकाउंटिंग पीरियड। कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच एसेट इक्विटी एंड लाइबिलिटी। मैंने कहा था कि बैलेंस शीट के अंदर जब हम परसेंटेज निकालते हैं हम हर एसेट और लाइबिलिटी का, तो बेस क्या रहता है बैलेंस शीट के अंदर, टोटल। तो टोटल ऑफ एसेट या टोटल ऑफ लाइबिलिटीज के बेसिस पर आप हर एसेट हर लाइबिलिटी के परसेंटेज को फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इन अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर ईच आइटम ऑफ एसेट इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज एनालाइज हॉरिजॉन्टली फॉर टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा, ऑब्जेक्टिव नहीं है वो बताना है आपको। फाइनेंशियल हेल्थ जज करते हैं, ठीक बात है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जज द रीजन फॉर चेंजेस इन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ये भी चेक करते हैं। जज द वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस और बिजनेस फॉलोड, ये पता नहीं चल पाएगा क्योंकि एनालिसिस में आप अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का कंपैरिजन नहीं करते, क्लियर है। वहां पर वेरिएबल्स का फाइनेंशियल वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। क्या चेक करते हैं बच्चों, क्रेडिटर्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी। क्रेडिटर वो जो हमें उधार देता है दो चार महीने के लिए, आज उसने गुड्स हमें उधार पर दिए तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब नेक्स्ट टाइम हम गुड्स परचेज करने जाएंगे तो हम उसका पेमेंट कर देंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6 मंथ तक का क्रेडिट मिलता है। While preparing common size बैलेंस शीट, ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम हर आइटम का परसेंटेज किस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेरी गुड, टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज। विच एनालिसिस इज कंसिडर एज डायनेमिक, हॉरिजॉन्टल। विच एनालिसिस इज कंसिडर एज स्टैटिक, वर्टिकल। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द, क्या किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों क्रेडिटर्स और सप्लायर्स हमारे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दैट ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म इज नोन एज इंट्रा फर्म विद दैट ऑफ अनदर पीरियड। जब आप एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपेरिजन करते हैं तो वो इंटर फर्म कंपेरिजन आएगा।
Which of the following is not a limitation of financial statement analysis? Affected by personal bias, ये तो limitation है. Interfirm comparative study possible बोल रहा है. ये limitation कैसे हो सकती है ना? ये limitation नहीं. Comparison possible है तो limitation कैसे हो सकती है? Next. इसके बाद है बच्चों आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. विंडो ड्रेसिंग, सब्जेक्टिविटी, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर, इंट्राफर्म कंपैरिजन. नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं. जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट, यही है बस, यही लिमिटेशन है. It is just the study of report of the company. Clear हो गया? ठीक है बच्चों, ये आपने कर लिया है. आप इससे और क्या करेंगे? Book में पीछे जाइएगा, last में देखिएगा. यहाँ पर हमारे हैं scanner. Scanner मतलब previous year में पूछे गए questions. वैसे तो यहीं से पता चल रहे हैं. Page number 2.11 पर देखिए, सभी question के सामने year लिखा हुआ है, किस year में ये question board में आए हैं. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं. और ज्यादा छोटा सा चैप्टर है. पेज नंबर S6 पर आइए, पीछे स्कैनर है. पेज नंबर S6 मिल गया आपको बच्चों. पेज नंबर S6 स्कैनर का. यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस चैप्टर से. और अगर हम आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर को स्टडी करें तो वहां से एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से 2 या 3, मैक्सिमम 3 नंबर का, मिनिमम 1 नंबर, 1 क्वेश्चन तक भी आ सकता है इससे, 1 से 3 नंबर के बीच में आएगा. ठीक है, तो यहां से आप ये रीड कर लेंगे, सिर्फ रीड कर लेंगे फर्स्ट 7 पेजेस बुक से चैप्टर वाइज. और स्कैनर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. और अगर आज ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा. ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4, रेशियो एनालिसिस.